नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में जल्द ही सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। आखिर इन्होंने क्यों इस केस से खुद को अलग किया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जस्टिस एल नागेश्वर राव का कहना है कि वो इस केस में गोवा सरकार की तरफ से 2015 में पेश हुए थे, इसलिए इस केस से वो खुद बाहर हो गए हैं। मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते दूसरी बेंच करेगी। सत्र न्यायालय की तरफ से तरुण तेजपाल को बरी करने को राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में चुनौती दी है। तरुण तेजपाल के बरी किए जाने को लेकर महिला कार्यकर्ताओं और वकीलों ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने आरोपी की जगह पीड़िता के खिलाफ मुकदमा चलाया। तेजपाल को 21 मई को गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन पर 7 और 8 नवंबर 2013 को ग्रैंड हयात बम्बोलिम गोवा में पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम थिंक 13 समारोह के दौरान लिफ्ट में अपनी कनिष्ठ सहयोगी पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था। अब बरी के फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। तरुण तेजपाल के वकील अमित देसाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने की अपील की थी, जैसा कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई हुई थी। देसाई ने कहा था कि मामले और आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।